नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। किताबें जिसमें ज्ञान का भंडार है, किताबें कहानियों की दुनिया है, किताबें इतिहास को समेटे हुए हैं। समाज के विकास की सबसे कीमती कुंजी है किताबें। उन कीमती किताबों को रखा जाता है पुस्तकालय में। अब जब इतनी कीमती चीज रखने की जगह की बात की जाती है तो आपके जहन में कैसी तस्वीर आती है? एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए? जितनी किताबें हैं उनके लिए शेल्फ, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था, पंखे, एसी, पीने का साफ पानी, शौचालय और शांत माहौल, ये सब कम से कम एक लाइब्रेरी में होना चाहिए। बिहार में आईएएस आईपीएस जैसी दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक अच्छा पुस्तकालय उनकी पढ़ाई में काफी मददगार हो सकता है। पर क्या बिहार के छात्र छात्राओं को ये सुविधा मिल रही है? ये जानने के लिए हमने अलग अलग जिलों की कुछ मशहूर लाइब्रेरी का जायजा लिया। चलिए आपको दिखाते हैं इन पुस्तकालयों का हाल क्या है। किताबों की कहानी ढूंढते ढूंढते हम सबसे पहले बुद्ध के ज्ञान की धरती गया पहुंचे। गया के डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरी में हर तरह की सुविधा मौजूद मिली। गोपालगंज के सेंट्रल लाइब्रेरी में भी तस्वीरें काफी अच्छी दिखी। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक मैनेजर बनना चाहता है, कोई वकालत की किताबें खंगाल रहा है, तो कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है। ये तस्वीर है गया के डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरी की। इस लाइब्रेरी ने पहला स्वतंत्रता संग्राम भी देखा है और आजादी का जश्न भी। आज भी ये पुस्तकालय अपनी शान में खड़ा है। 1855 में बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक जेम्स हॉलिडे ने इस लाइब्रेरी का निर्माण कराया था। उस समय गया समेत पूरा बिहार झारखंड बंगाल प्रांत का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय जो गया के जो बुद्धिजीवी थे और जो उस समय गवर्नर थे, उस समय दोनों मिल करके ही इस पुस्तकालय का स्थापना किया गया था। तब से ये पुस्तकालय चल रही है। ये 1986 में इसको जो है प्रमंडलीय पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त हुआ। गांधी मैदान के ठीक सामने 5 बीघे जमीन में बनी ये लाइब्रेरी गया का गौरव बढ़ाती है और इस पुस्तकालय में संविधान की मूल प्रति से लेकर कई किताबें आज भी सुरक्षित हैं। पहले इसे बिहार म्यूजियम के रूप में भी जाना जाता था। इस लाइब्रेरी में ऐसी कई किताबें हैं जो बाहर खोजने से भी नहीं मिलती। उन्हीं किताबों की तलाश में छात्र और छात्राएं यहां आते हैं और उनकी तलाश पूरी हो जाती है। पढ़ने लिखने के लिए यहां का माहौल भी काफी अच्छा है। हाँ, यहां पर मिल जाता है, जो भी खोजते हैं वो मिल जाता है किताब। लमसम सभी प्रकार का बुक यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर शांति मिलता है, प्लस में सरकारी लाइब्रेरी में यह खासियत है कि हम लोग स्टाफ के देख रेख में पढ़ते हैं। कुछ सालों पहले इस लाइब्रेरी की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन जब से यहाँ कमेटी गठित हुई तब से यहाँ काफी सुधार हुआ है। लाइब्रेरी के मेंटेनेंस के लिए 22 लाख रुपए खर्च किए गए। लाइब्रेरी के प्रभारी पुस्तकालय अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी बताते हैं कि इस लाइब्रेरी में वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें भी मौजूद हैं। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया से जुड़ी किताबें, शेक्सपियर के उपन्यास, महापुरुषों की जीवन गाथा से जुड़ी हुई किताबें भी मौजूद हैं। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का हमारे पास हिस्ट्री उपलब्ध है। उसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया है और वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे लड़के लड़कियों का, पाठकों का जो डिमांड रहता है, वो मैगजीन अब और दैनिक न्यूज़पेपर, संविधान की हमारे पास आपको एक और दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। अब आपको ले चलते हैं गोपालगंज जिले की सेंट्रल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी जिला मुख्यालय में जिला शिक्षा विभाग परिसर में है। 1965 में ये लाइब्रेरी अस्तित्व में आई। 1990 में
गोपालगंज के तत्कालीन डीएम राम तवक्य शर्मा ने इसके भवन का निर्माण कराया। तब इसे बनाने में करीब 10 लाख रुपए की लागत आई थी। तब यहां छात्रों का हुजूम जुटा करता था, पर धीरे धीरे इसकी दशा खराब होने लगी। पर 2022 में एक बार फिर इस लाइब्रेरी को संजीवनी मिली, जब तत्कालीन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पुस्तक दान अभियान चलाकर सेंट्रल लाइब्रेरी को मॉडल लाइब्रेरी का रूप दिया। उन्होंने ही इसे पूरी तरह से वातानुकूलित बनवाया। आज ये लाइब्रेरी छात्रों से फिर गुलजार हो गई है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो हमें शांति का माहौल मिलता है। सेंट्रल लाइब्रेरी में कई ऐसी किताबें हैं जो बाहर आसानी से उपलब्ध नहीं होती। उन्हीं किताबों की तलाश में कई छात्र यहाँ पहुँचते हैं। इनमें उपन्यास, धार्मिक ग्रंथ, प्रतियोगिता, भौगोलिक खेलकूद और इतिहास से जुड़ी हुई पुरानी किताबें मौजूद हैं। यहाँ पहुँचे छात्र सुमित कुमार के मुताबिक सेंट्रल लाइब्रेरी में किताबें पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। 12,000 से ज्यादा किताबों वाले इस लाइब्रेरी में 150 से अधिक छात्र हर रोज आते हैं। हालांकि ग्राउंड फ्लोर के 3 कमरों में शिक्षा विभाग का दफ्तर है, इस वजह से 150 से ज्यादा छात्रों की संख्या जब होती है तो उन्हें वापस घर लौटना पड़ता है। सेंट्रल लाइब्रेरी में किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, पर मेंटेनेंस के लिए हर छात्र से 30 रुपये प्रति महीने चार्ज लिए जाते हैं। यहाँ पर बाहर से बहुत अच्छा होता है, शुल्क भी कोई नहीं लगता, शांति रहता है, माहौल भी मिलता है, बाकी और भी सुविधा अच्छा है। तो पुस्तकें भी अच्छी यहाँ पर है। हाँ, पुस्तकें भी चाहिए तो मिल जाता है। कोई शुल्क भी नहीं मैडम यहाँ पर? कोई शुल्क नहीं है। मेंटेनेंस कैसे होता है? मेंटेनेंस हाँ लिया जाता है, 10-30 रुपए लिया जाता है महीने में। दे पाते हैं बच्चे से? नहीं दे पाते। न्यूज 18 की पड़ताल में गया की डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरी और गोपालगंज जिले की सेंट्रल लाइब्रेरी हर पैमाने पर खरी उतरी। अगर छात्रों को पढ़ने के लिए ऐसी सुविधाएं मिलती रहें तो बिहार का भविष्य यकीनन रोशन ही होगा। गया से संवाददाता एलएन लिली और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए हम समस्तीपुर पहुंचे, जहां लाइब्रेरी की दशा इतनी दयनीय थी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ना तो ढंग का भवन है, ना ही पर्याप्त स्टाफ। ऐसी ही हालत में नालंदा की अल इलाहा अल उर्दू लाइब्रेरी है, जो रखरखाव के अभाव में खंडर बन गई है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बेटे शिवशंकर सिंह, उन्हीं के नाम पर समस्तीपुर में इस पुस्तकालय का निर्माण हुआ है, पर अब ये लाइब्रेरी और इसकी किताबें धूल फांक रही हैं। इस लाइब्रेरी में करीब 18,000 किताबें हैं, पर इन्हें पढ़ने वाले 18 लोग भी नहीं। रखरखाव के अभाव में किताबें अब दीमक के हवाले हैं। लाइब्रेरी की दीवारें टूट रही हैं, भवन जर्जर हो गया है। पहले यहाँ पर बहुत से छात्र छात्रा आके पुस्तक को पढ़ा करते थे, जो कि अब वैसी स्थिति नहीं है। सरकार की तरफ से अनुदान भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें, बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखी हुई हैं, जो कि अभी हम लोग अभी अगर सही से अगर चल रही होती तो हम लोग यहाँ पर आके पढ़ सकते थे। 17 जनवरी 2012 को इस लाइब्रेरी को बिहार सरकार से मान्यता भी मिल गई, पर इसके रखरखाव के लिए पैसे कभी मिलते हैं कभी नहीं। लाइब्रेरी में काम कर रहे स्टाफ को भी समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। किताबें पुरानी हो रही हैं और भवन खंडहर बनता जा रहा है। पुस्तक की स्थिति है, जो 18,000 किताबें थी, इसमें कुछ किताबें जो है सो पुरानी होने की वजह से डैमेज हो गई हैं और फर्नीचर की स्थिति भी नगण्य हो गई है। बदहाली की ऐसी कहानी है नालंदा के अल इलाला उर्दू लाइब्रेरी की। 1892 में एशिया के सबसे बड़े स्कॉलर सैयद सुलेमान नदवी ने इसका निर्माण कराया था। इस लाइब्रेरी में कभी 1 लाख से अधिक किताबें हुआ करती थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद इस लाइब्रेरी को देखने यहां आ चुके हैं। इस लाइब्रेरी में कई दुर्लभ किताबें थी। उन किताबों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी भेजने का फैसला लिया। 1952 में हजारों किताबें यहां से बैलगाड़ी पर लादकर खुदा बख्श लाइब्रेरी ले जाई गई। इसके लिए वहां अलग देशना सेक्शन भी बनाया गया।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबको तो ये था कि किसी तरह इन लोग को शिक्षा से वंचित किया जाए, तो यहाँ से 16 ट्रक किताब जितना था जो लिपि थी सब लेकर के वो खुदा बख्श लाइब्रेरी में गया। देशना गांव की लाइब्रेरी आज खंडहर हो चुकी है। इसके निर्माण के समय लाइब्रेरी को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर से 18 फीट लंबे और करीब 9 फीट चौड़े 7 गेट बनाए गए थे। 2 आज भी मौजूद हैं। लाइब्रेरी के केयर टेकर बताते हैं कि कई बार यहां लोग आए, लाइब्रेरी का जायजा लिया, पर इसके उद्धार के लिए आज तक कोई पहल नहीं की गई। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार और नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको पूर्णिया की एक लाइब्रेरी दिखाते हैं, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये लाइब्रेरी है या कोई भूत बंगला। 72 साल पहले ये लाइब्रेरी बनी थी, पर मरम्मत शायद कभी नहीं हुई। लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं, पर बुक सेल्फ नहीं है, लिहाजा किताबें अब दीमक के हवाले हैं। मकड़ी के जाले, दीवार में दरारें और गिरता हुआ प्लास्टर, ऐसा लगता है जैसे ये किसी हॉरर फिल्म का सेट है। पर हकीकत किसी हॉरर फिल्म से भी डरावनी है। ये तस्वीरें हैं पूर्णिया जिला के राज्य लाइब्रेरी की। 72 साल पहले 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। शायद प्रशासन इसे बनाने के बाद इसकी मरम्मत कराना भूल गया, तभी तो आज इस लाइब्रेरी का ये हाल है। कभी ये लाइब्रेरी पूर्णिया की ही नहीं, आसपास के जिलों की शान हुआ करती थी। सैकड़ों छात्र यहां आकर पढ़ते थे और कंपटीशन की तैयारी किया करते थे। प्रतिनियुक्त लाइब्रेरियन मोहम्मद अब्दुल रहमान की माने तो इस लाइब्रेरी में कई पांडुलिपियां भी थीं, कई दुर्लभ पुस्तकें थीं, पर अब नहीं है क्योंकि उन्हें दीमक खा गया। लाइब्रेरी में 18 साल से लाइब्रेरियन नहीं है, सभी स्टाफ रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल प्रतिनियुक्त पर 4 स्टाफ हैं। भवन जर्जर है, बारिश में रिश्ता रहता है, जिससे किताबें भी खराब होती हैं। अभी भी करीब 10,000 पुस्तकें लाइब्रेरी में हैं, पर बुक सेल्फ नहीं होने के कारण रखरखाव नहीं हो पाता। तो बुक सेल्फ नहीं रहने के कारण बहुत सब किताब जो है बंडल में ही पड़ी हुई है, जो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन से अनुदान के रूप में मिलता था, अब तो आना बंद हो गया। इस लाइब्रेरी में पहले सैकड़ों छात्र पढ़ने आते थे, अब महज 5-6 छात्र ही आते हैं। उनके लिए भी ना तो पीने का पानी है और ना दूसरी जरूरी सुविधाएं। ऊपर से साफ सफाई नहीं होने के कारण झाड़ियों में सांप निकलकर लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यानी अगर ज्ञान वर्धन करना है तो जान को खतरे में डालना पड़ेगा। जब से पढ़ने आ रहे हैं, मतलब पहले तो लाइट फैन की व्यवस्था नहीं थी, तो किसी तरह संवर करवाए हैं लाइट फैन, और स्थायी कर्मचारी नहीं है यहाँ पे, कोई उसकी बहाल होनी चाहिए। और यहाँ पे सभी जो टेबल है, चेयर है, वो सभी अस्त व्यस्त है बिल्कुल, और जो बिल्डिंग है देख रहे हैं आप, हर जगह सीएम वगैरह टूट रहा है। ये प्रतिनियुक्त पुस्तकालय अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल रहमान ने बताया, अब यहाँ 3,58,57,000 की लागत से नया 3-मंजिला भवन बनने वाला है। उम्मीद है कि उससे इस लाइब्रेरी की दशा में कुछ सुधार होगा और छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा। पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पुस्तकालयों की पड़ताल में हम कटिहार, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा भी पहुंचे। कहीं लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, तो कहीं किताबें हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। लोग किताबों से दूर जाते जा रहे हैं और पुस्तकालय बदहाल होते जा रहे हैं। यह है कटिहार का इंदिरा गांधी पुस्तकालय। मिर्चाई बारी अमर जवान चौक पर बनी इस लाइब्रेरी की स्थापना 13 नवंबर 1979 को हुई थी। 1999 में
तत्कालीन सांसद तारिक अनवर ने सांसद कोष से लाइब्रेरी का भवन बनवाया। इस लाइब्रेरी में 12,000 पुस्तकें हैं। कुर्सी, पंखा, एसी, एक पाठक को पढ़ने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत होती है वो सब यहाँ मौजूद है। पर पढ़ने वालों की संख्या यहाँ काफी कम है, क्योंकि जिस किताब के पाठक ज्यादा हैं वो किताबें यहाँ नहीं मिलती। लाइब्रेरी आने वाले युवा बताते हैं, इस लाइब्रेरी में अधिकतर किताबें साहित्य से जुड़ी हैं। कंपटीशन और अन्य विषयों से जुड़ी किताबें लगभग ना के बराबर हैं। छात्रों ने इस लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी में बदलने की भी मांग की है। सर जी, यहाँ पे मेन जो कारण है, अभी जो युग चल रहा है वो कंपटीशन का चल रहा है, तो जनरली जो भी लोग आते हैं पढ़ने वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, तो जो देखा गया यहाँ पे जो बुक है वो सिर्फ लिटरेचर की ज्यादा बुक मिल रही है। लाइब्रेरियन भीम पासवान कहते हैं वे खुद 10 साल से अधिक समय से यहाँ प्रभार में हैं, तब से यहाँ के सभी पद खाली हैं, जिसकी वजह से लाइब्रेरी संचालन में परेशानी आती है। मतलब व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाठक की कमी के कारण बहुत खलता है हमको, मतलब हमको बहुत तकलीफ होता है। यहाँ पर सर स्टाफ का बहुत कमी है, यहाँ पर सभी पदे रिक्त है, बहुत दुख का साथ है। मुजफ्फरपुर शहर से गोला रोड स्थित श्री गांधी पुस्तकालय का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 1938 में स्थानीय लोगों के सहयोग से बने इस पुस्तकालय की शुरुआत झोपड़ी से हुई थी, पर अब यहाँ एक भवन खड़ा है। लाइब्रेरी में करीब 3,000 पुस्तकें हैं। हर महीने मेंटेनेंस का खर्च करीब 10,000 रुपए आता है। पुराने लाइब्रेरियन चतुर्भुज प्रसाद राय बताते हैं कि पहले सैकड़ों छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन अब बहुत कम लोग आते हैं। पहले तो बच्चे बहुत ही आते थे यहाँ, तो पहले जो आते थे पुस्तकालय जो चलता था 2 से 7 बजे तक, उसमें 41 बुक हुआ करता था, जिसमें हम समझते हैं कि 100 के लगभग बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग लोग भी आते थे, जवान लोग भी आते थे, बच्चे लोग भी आते थे, सारे के सारे अटेंडेंस उसमें हो सकता है कि अटेंडेंस यहाँ हो। अब इस तस्वीर को देखिए, आपको ये किसी तबेले की तरह लग रहा होगा, पर ये शेखपुरा जिले का एकमात्र जिला पुस्तकालय है। 2001 में ही इसकी स्थापना बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर की गई, पर आज तक ये लाइब्रेरी चालू नहीं हो पाई। जिला पुस्तकालय के नाम पर बिल्डिंग की मरम्मत में सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, पर लाइब्रेरी की जगह यहाँ अलग अलग विभागों का कार्यालय चल रहा है। कहीं लाइब्रेरी में किताबें नहीं तो कहीं किताबें हैं पर पढ़ने वाले नहीं। लोग किताबों से दूर जाते जा रहे हैं और पुस्तकालय बदहाल होते जा रहे हैं। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और शेखपुरा से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।